बोलते हैं ना कि अगर आप शेर हैं तो आपके सामने सवा शेर भी खड़ा हो जाता है, और तब आप दिखाओ कि आप शेर हो या सवा शेर हो। हालांकि चाहत पांडे ने ऐसी ही चीज की, और चाहत पांडे और बाकी के घर वाले जो है धीरे धीरे अब चीजों को समझ रहे हैं और चीजों से दब नहीं रहे और उठते ही जा रहे हैं, उठते ही जा रहे हैं। चाहत पांडे की तो पहली बात यह है कि चाहत पांडे की सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तारीफ हो रही है इस चीज को लेके कि वो बहुत ही फेयरलेस जो है जवाब देती है। अगर उसको जिसको नॉमिनेट करना होता है तो वो मुंह पे एकदम एक चुटकी में जवाब दे देती है, जिससे काफी ज्यादा तारीफ जो है चाहत पांडे की हुई। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अनपढ़ गवार इसका क्या मतलब है और गवार का क्या मतलब है? मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि आखिरकार मुझे ये चीज क्या समझ में आई। पहली बात यह है कि अनपढ़ गवार कहा नहीं गया, सिर्फ गवार कहा गया है। आप लोगों ने आज का एपिसोड देख लिया है, आज का एपिसोड देखने के बाद आप लोगों को प्रोमो भी दिख गया होगा। प्रोमो में जो है यही शब्द का इस्तेमाल चाहत ने किया कि मुझे आपने कल रात को गवार बोला, यानी कि मैं गांव से आती हूं। तो इवन जो फिर दोबारा से जो है अविनाश कहते हुए नजर आए कि गवार है, गवारों जैसी चीज तो करेगी ही। तो यानी कि ये चीजें जो है अविनाश और चाहत के बीच में चल रही है। पहले जो है चाहत को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, पर फिर भी जो है चाहत को खाना जो है वो अविनाश ने दे दिया, सब चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो गई। पर गवार वाली चीज को जो है दिल पे ले गई चाहत, और चाहत ने जो पहले ही बोला था कि भाई मैं इसको रात को सोने नहीं दूंगी, पर चाहत ने रात को सोने तो दे दिया, पर सुबह सुबह उठते ही जो है चाहत ने बोला कि भाई इसको भी उठाती हूँ पानी मार के। तो चाहत ने जो है सीधा एक बड़ा डिसीजन लिया, जो कि आज से पहले सिर्फ और सिर्फ हिट सीजन में ही ऐसे डिसीजन लेते हुए कंटेस्टेंट दिखाई दिए हैं। फ्लॉप सीजन में तो भाई किसी में भी दम नहीं था, इसीलिए वो फ्लॉप हो गए। तो ये चाहत ने जिस तरीके से डिसीजन लिया है अपना स्टैंड रखने का, वो बहुत ही कमाल का है। लोगों को जो है वो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पर आप लोग ये चीज बताइए कि भाई गवार का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से देखिए, कभी कभार ऐसी चीज होती है जो कि चीजें समझ में नहीं आती हैं और उस चीज को बहुत ही अलग वे में जो है वो कर दिया जाता है। अगर मैं उदाहरण दूं, देखिए शहरी लोग जो है वो काफी मतलब कि अलग और बहुत ही सटन वे में जो है वो चलते हैं। वो मतलब कि बड़ी सोसाइटीज वगैरह में रहते हैं और बहुत अच्छे से चलना फिरना, कपड़े पहनने बैठना बात करना एक स्टाइल उनका होता है। बट जो गांव के लोग होते हैं वो एकदम खुले मिजाज के होते हैं, और गांव के लोगों को भाई बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, और गांव के लोग होते भी बस सच्चे दिल के हैं। पर कुछ चीजें शहरों में भी होती हैं, शहरी लोग भी कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिनको बोला जाता है कि यार क्या यार गवारों जैसी चीजें कर रहा है, क्या इसको समझ नहीं है? जिसको मतलब ये उस चीज की समझ ना हो उसको जो है एक वर्ड में बोला जाता है कि भाई गवारों जैसी चीज कर रहा है। तो इस वे में कहीं ना कहीं जो है अविनाश ने चाहत को गवार बोल दिया, जो कि चाहत को ये अच्छा नहीं लगा, और चाहत ने जो है अपना भी एक्शन दिया, रिएक्शन का एक्शन जो है वो आया ही, जो कि काफी ज्यादा कमाल का था। और जैसे शेर बने फिरते हैं अविनाश मिश्रा, अविनाश मिश्रा के सामने पांडे जी आगे खड़े हो जाएंगे ये अविनाश ने भी नहीं सोचा होगा। हालांकि आपका क्या कहना है? देखिए अनपढ़ गवार मतलब कि पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो है टारगेट किया जा रहा है, गवार इसका क्या मतलब है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और चाहत ने जो डिसीजन लिया है अविनाश को जगाने का पानी फेर के, वो आपको एक्शन कैसा लगा? इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।